अमरनाथ यात्रियों के लिए पूनी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हो गई। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। मुजफ्फरपुर में अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 8 जिले के अभ्यर्थी 10 जुलाई से दौड़ लगाएंगे। इसके लिए चक्कर मैदान में मजिस्ट्रेट और जवानों की तैनाती कर दी गई। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। सीएम रेड्डी ने सिराज को टी20 विश्व कप जीतने के लिए सम्मानित किया। कश्मीर संगीत महोत्सव में एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। कश्मीर के सुरों से सजी गई इस महफिल में शामिल लोगों ने कश्मीरी गीतों पर जमकर लुत्फ उठाया। नागपुर में 40 से 50 एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो पहुंचे, जिन्होंने आरएसएस के हेड गेवार स्मृति भवन में नागपुर पुलिस के साथ मॉकड्रिल की। बिहार की मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बन गई है। भागलपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली मानवी ने दरोगा भर्ती परीक्षा में चयनित होकर इतिहास रच दिया। पेरिस ओलंपिक के विजेताओं को पेरिस की पहचान से जुड़ी विशेष सौगात मिलेगी। चैंपियन खिलाड़ियों के मेडल में एफिल टावर में लगी धातु से बने प्रतीक चिन्ह बनाए गए। देश भर में एक पेड़ मां के नाम से मुहिम जारी है। पर्यावरण के लिए चल रही इस मुहिम में दिल्ली में इनर व्हील एसोसिएशन सेक्रेटरी डॉक्टर उर्वशी मित्तल ने अपने क्लब इनर व्हील मिडटाउन के साथ हिस्सा लिया। गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर पर मॉनसून की पहली बारिश शुरू हो गई। महादेव धाम के दिव्य दर्शन के लिए यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है।